तौबा, कैसी इंसान है जी तुम। बीवी को बाहर लेके जाके खिलाने के वास्ते इतनी तकलीफ हो रही। अरे वैसी बात नहीं है जी। शर्म आ रही बीवी को बाहर लेके जाने के वास्ते? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? तो फिर इतने बहाने का इको बना रहे? नहीं लेके जाना है तो सीधा सीधा बोल दो ना जी कि बाहर का महंगा खाना नहीं खिला सकते तुम, बकील आदमी। ए, जबान संभाल के बात करो जी तुम। बकील आदमी किसके ऊपर है? तुम्हारे कुछ बोल रही हूँ। बीवी पे खर्चा करने के वास्ते इतना सोच रहे ना? सोचना पड़ता जी, सोचना पड़ता। हमारे को मालूम पैसे कहाँ से आ रहे सो, तुम्हारे को क्या मालूम जी। अजी ये लाओ, अजी वो मंगाओ, आज बाहर खाएंगे कल अंदर खाएंगे, क्या पैसों का झाड़ है आंगन में? हा? ऐसा क्या फरमाशा करी जी मैं? कभी नहीं सो एक बार बाहर जाके खाएंगे बोले तो तुम तमाशा बना दिए। अरे हमारी भी फीलिंग्स रहती भाई, चार दीवारों में रह रह के दम घुट जाता। हमारा भी मन बोलता ऐसे बाहर जाएंगे फिरेंगे बाहर घूमेंगे बोल के। हमारे को भी छुट्टी हो ना, बेजार आ गए हम रोज रोज के रूटीन से। हमारे को भी ब्रेक हो ना भाई। हाँ जी, तुम्हारे को बाहर लेके जाने में मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, बाहर खिलाने का प्रॉब्लम है, मगर तुम एक काम को जाते 10 काम करके आते। ऐसे कौन से 10 काम करी जी मैं? भूल गए लास्ट रमजान का? खाली एक मस्तानी ड्रेस लेती हूँ बोल के 4 ड्रेसा खरीद दी। हाँ, ऊपर से तुम्हारे अम्मा के वास्ते एक ड्रेस, तुम्हारे बाबा के वास्ते सफारी का कपड़ा, तुम्हारे भाई के वास्ते पठानी का कपड़ा, वो तुम्हारी नागिन बहन के वास्ते 4480 का सूट, उसकी नेटली पुट्टी के वास्ते 1570 का एक सूट लिया तुम, 3000 का लेते बोल के 30747 की बिल बनाए। तो इंसान की फटेंगी ना दूसरी बार लेके जाने के वास्ते। अजी अब हम लोग शॉपिंग करने थोड़ी ना जा रहे, अपन लोग खाने जा रहे, वो भी खाली ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन ही खाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ, प्रॉमिस पक्का वादा। तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान झूठ जाना, खुशी से मर न जाते घर एतबार होता। रोड पे चलते फिरते हुए अनजान शख्स के ऊपर मैं यकीन कर सकता, मगर तुम सिर्फ एक ग्रिल चिकन खा के घर को वापिस आएंगे ये यकीन नहीं कर सकता। नो, नेवर, फॉरएवर, फेयर एंड लवली। मैं क्या रकस नहीं दिख रही तुम्हारे को एक साथ 10 चीजें खाने के वास्ते? तुम स्टार्टर्स के नाम पे 2 फुल प्लेट कबाब्स खा लेते, फिर फिश शक्ति प्रॉन्स शक्ति बोल के एक एक प्लेट घटक लेते, उसके बाद चावल खाए तो पेट भरता ना, नहीं तो मेरा पेट नहीं भरता, खाए जैसा ही दिखता बोल के 2 आदमियों की 1 प्लेटफुल मंदी साफ कर देते। अब उसको हजम करने के वास्ते कोल्ड ड्रिंक, लाइम सोडा, मोजिटो पी के भी डकारने लेते आइसक्रीम खाने तक। अजी मेरा पेट है, कोट है, इतना सब खाने के वास्ते? अल्लाह से जरा डरो, इतना भी झूठ नको बोलो। मैं खाली 1 प्लेट बिरयानी खाती हूँ, उसके बाद 1 प्लेट फुल मुर्गी ग्रिल चिकन, खाली 10 गुलाब जामुन और लास्ट में 4 चोकोबार आइसक्रीम खा लेती हूँ बस। जरा रहम करो जी, खुद के पेट पे और मेरी जेब पे। ठीक है भाई, आज से तुम्हारा 1 आना भी मैं नहीं खर्च करवाती हूँ, खानदान में तुम्हारी बेइज्जती होती है। रजा की बीवी हौली शौली देख रही, देखो एक भी जेवर नहीं है, गरीब लोग हैं बोल के तुम्हारी बेइज्जती होती। आई डोंट माइंड। तुम जरा खाना निकालो भाई। हाँ, मैं जरा तब तक बाथरूम जाके आता हूँ। जरा देख के बैठो, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जा रहा, कुंडी सुबह में टूट गई। तो अब कैसा? दरवाजा पकड़ के बैठो। बगैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ इंसान बॉर्डर पे जंग लड़ रहे सो फौजी से भी ज्यादा चौकन्ना रहता कते। कब कौन किधर से घुस जाता नहीं मालूम। भाई कौन है? देखो भाई, मैं बाथरूम को जाकर। कौन है, कौन है? सलाम भाभी, रजाक किधर है? उन्हों जंग लड़ने को गए, आते होंगे। क्या मेरा मतलब टॉयलेट में है, आते होंगे आप लोग, आप आई ना अंदर आई। भाभी टाइम बिल्कुल नहीं है, फुल इमरजेंसी है, जरा जल्दी रजाक को बुलाइए आप। इमरजेंसी? हाँ सुन, देख तेरे भाभी को पकड़ ली रे भाई, कहाँ तो वो डिनर लाइट को लेके जाओ, वो रही का कैंडल डिनर लाइट कुछ क्या किए, मेरे को लेके जाके दुनिया का खर्चा कराया तेरे भाई, मेरे को नहीं जाना है इसके साथ, मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त है ना तो मेरी मदद कर, 2 मिनट से मेरे को फोन कर, नहीं तो 5 मिनट से कर, फोन करके बोल किसका तभी इंतकाल लगा, कौन तुम्हें मर गए, नहीं तो क्या तभी, क्या तभी किसका तभी एक्सीडेंट हुआ बोल के मेरे को बचा ले रहे भाई, मैं भाग के आ जाता हूँ। अच्छा, इमरजेंसी। हाँ भाभी, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसको उस्मानिया दवाखाने को ले के गए, जरा इमरजेंसी है, जल्दी जाना है वहाँ पे। कौन है? क्या इमरजेंसी? अरे पट्टे, याकूब का एक्सीडेंट हुआ, उसको उस्मानिया हॉस्पिटल ले लेके गए, बाप पूरा रास्ता तमाम तेरे को याद कर रहा, रजाक किधर है, रजाक किधर है बोला, तू जल्दी चप्पल पहन के चल अपन निकलेंगे। अरे तेरे भाभी को मालूम पड़ गया रे,
अरे महेश बोला उनको अभी एक्सीडेंट हुआ सो। एक्सीडेंट हुआ सो ना, अरे तू झूठ बोल रहा सो। कैसा? अरे अपन दोनों फोन पे बात कर रहे थे, सुन ली तेरी भाभी। पागल है क्या यार, भाभी के सामने पूरी इमेज खराब कर दी है तुम। भाभी इन्हें बोला बोल के मैं करा। अरे जरा खामोश बैठा ना यार, बिलाल पोल गई को खोल रहे तुम। अच्छा बिलाल भाई बोलते सोने छे क्या? जी भाभी। अच्छा अच्छा अच्छा, शक्ल से तो आप नेक और ईमानदार दिख रहे, मगर हरकत आप पूरे तिरवादी है। आपके पूरे दोस्त ऐसी चावारा तिरवादिया है। दोस्त मेरा जवानदार। बिलाल भाई आपकी शादी हो गई? जी अलहमदुल्ला भाभी, मेरी शादी हो गई। 3 बच्चे, ईसा, मुस्तफा, मरियम। मरियम तो इतनी क्यूट है मेरी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे रात रात भर बाहर घूमते तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती? बाहर निकलते आती फोन बंद कर लेता हूँ, दम नहीं होना बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फोन बंद करने का फॉर्मूला है ना, आपसे ही सीखे। अच्छा तो बोले तो आप अपनी बीवी को तो टाइम नहीं देते, दूसरों को भी टाइम देने नहीं देते। क्या रे, चाबी लगा के छोड़ दिया, भाभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तू कौन सा रुक रहा है? हाँ खामोश मौसा, देख मखा देख के चले जा, एक बार बोलना शुरू कर तो खत्म ही तक न रुकती नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा बिलाल भाई आप भाभी का नंबर दियो, मैं बात करती हूँ। अरे बिल्कुल देता हूँ भाभी का नंबर, मेरे को याद नहीं है भाभी, मेरे फोन में है मेरी, और मेरा फोन गाड़ी की डिक्की में है, यूं जाके लेके आ रहा हूँ। देखो एक पट्टे में निकलता हूँ, चलते जल्दी ला जल्दी ला। कावाजी दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या पुकारा कर रहे? दोस्त है मेरा, क्या इज्जत रहती मेरी? हाँ फिर ऐसा करेज तो तुम लोग सुधरते। पूरे आवारा दोस्त है तुम्हारे, आज से तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बोल दे रही हूँ, नहीं तो मैं घर घुसड़ के चली जाती हूँ। देखो अच्छे है तुम, कहीं को नहीं जाना? फर्ज नहीं है दोस्तों के पास जाना, यहाँ रहना, बीवी का ख्याल रखना, बीवी की खुशी का ख्याल रखना फर्ज है। देखो निकल गएगा तुम, या फिर सुबह सुबह धूप लग गई तुम्हारे को, जाना पड़ता जी, दोस्त है। अच्छे बुरे में काम में आते, इमरजेंसी में काम में आते हो लगा। अच्छे बुरे में काम मैं आती हूँ, अब तुम्हारे सर में दर्द हुआ तो मैं दबाती हूँ, तुम्हारे दोस्त दबाते। दोस्तों के पास रहते सर में दर्द ही नहीं होता। क्या मतलब? कुछ भी मतलब नहीं है भाई, आज के बाद तुम तुम्हारे दोस्तों को छोड़ देना, बस बात खत्म। कहीं को नहीं जाना, जाते बराबर जाते। मैं छोड़ी ना मेरे दोस्तों को तुम्हारे वास्ते। अरे तुम्हारा मसला अलग मेरा मसला अलग है भाई, हम काम कारोबार वाले आदमी है, 4 लोगों में उठना पड़ता बैठना पड़ता, अच्छे बुरे लोगों में उठना बैठना पड़ता, जितने दोस्त आ रहे उतना कारोबार में फायदा होता, तुम्हारे को क्या जरूरत है दोस्तों की, तुम तो घर में पड़े हुए रहते ना। मुश्किल वक्त में कौन भी दोस्त फोस्त काम में नहीं आता, और वो नुसरत साहब की गजल याद है ना, काम आए ना मुश्किल में कोई यहाँ, मतलब भी दोस्त है मतलब भी यार है। देखो मेरे दोस्त मतलब ही नहीं है, जरूरत पड़ी ना दोस्ती की खातिर जान बोले तो देते हो लगा। गया वो जमाना जब दोस्ती के वास्ते लोग जान देते थे, अभी जान लेते उल्टा कारोबार हड़पने के वास्ते जान लेते तुम्हारी। देखो अब तुमको ज्यादा बोल दे रहे, सुने अब तुम्हारे दिखाओ क्या सैंपल, 2-4 को फोन करके बताऊ क्या, मान लेते अगर उल्ला मदद कर दिए तो। दिखाओ जी सैंपल, दिखाओ जी, तुम कौन भी तुम्हारे 3 दोस्तों को कॉल करके 50,000 मांगो, देखेंगे देते क्या। अगर दे दिए तो तुम अगली बार से मेरे को बाहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है करो फोन करो। अरे अब भी बताता तुम्हारे। फोन नहीं उठा रहा जी। नहीं कैसा दोस्त है जी तुम्हारा, फोन ही नहीं उठा रहा, अब सही में इमरजेंसी होती थी तो। करो जी करो, तुम्हारे दूसरे दोस्त को कॉल करो। भाई सलाम। वालेकुम सलाम, आरज़ा खैरियत? नहीं भैया खैरियत तो नहीं है जी। कहीं ऐसा क्या हुआ? वो एक 50,000 रुपए होना था भैया, जरा इमरजेंसी आ गई, मैं तुम आपको एक महीने के अंदर दे। अरे देता है तो नहीं, आओ नहीं। तुम लिख जाओ, सुने रज़ाक है पैसों की जरूरत है। हेलो भाई सलाम। सलाम खैरियत से? अरे यारो पैसे सुनना, सुब छोड़ो यारो, देने लेने की बात बाद में करो, पहले क्या हुआ ये बोलो। इमरजेंसी है क्या? कुछ भी डॉक्टर का मसला है क्या? शहर के कौन से बड़े डॉक्टर से अगर फोन कराना है तो बोलो, कॉल करा देंगे अपन। नहीं 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 भैया ऐसा कुछ भी, मेडिकल इमरजेंसी नहीं, जरा दूसरा मामला है, मैं मिलके बोलता हूँ आपको। अच्छी बात है, ठीक है। अरे भाई कौन, तो भी डरा रहा धमका रहा क्या, कुछ भी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जरा दूसरा काम है। टेंशन नको ले, तू टेंशन नको ले, पैसों का नको सोच, ठीक है? तू बात तू आर के लिए ताने भिजाओ मैं किसको भी।
अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आ रहा ना घर पे, आ रहा ना आके ले लेता हूँ आपके पास से पैसे। ओके ओके, तेरे पैसे मेरे पैसे अलग नहीं है, तू टेंशन न को ले, अपनी दोस्ती से बढ़ के नहीं है पैसे, मैं घर पे हूँ आके ले ले, अगर नहीं बोले तो मैं बच्चे से भिजाओ बोलते भिजा देता हूँ, ठीक है? ओके ओके भाई, खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। देखे दोस्त ऐसे रहते, 40 ने 4 दोस्त रखना तो मुश्किल में काम आने वाले रखना, समझे? एक काम करो, अब तुम तुम्हारे कौन सी तभी एक तभी सहेली को फोन करो, देखिए कौन तभी देते क्या पैसे, करो 5,000 इस पूछो। उन लोगा कहाँ से देते जी, उन लोगा थोड़ी ना जॉब करते। आप समझे ना तुम, काम कारोबार में कितना काम में आते दोस्त, अच्छे बुरे में कितना काम में आते दोस्त। इसके वास्ते मैं कौन से भी दोस्त के साथ रिलेशन खराब नहीं करता, अच्छा रिलेशन रखता हूँ, ताकि अपनी इमरजेंसी में, अपनी मजबूरी में, अपनी जरूरत के वक्त पे ना काम में आना बोल के। नहीं तुम्हें कैसा कोई शौक नहीं है दोस्तों के साथ बैठ के टाइम वेस्ट करने का, समझे? रज़ाक भाई, हमारे दोस्त आए। अरे मोहसिन भाई, सलाम वालेकुम। भाई सलाम वालेकुम, खैरियत मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या हाल है, कैसी है तबीयत वगैरह? बस बस अल्लाह का करम है। क्या है भाई, कल रात ने भी फोन करा नहीं उठाया? हाँ जी जरा बिजी था, है कि कुछ जरूरत पड़ी बोल के मालूम हुआ। क्या खैरियत? हेलो। अरे अरे ना खूब, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये देखो भाई हूँ मैं आपका, कल रात में फोन करा मैं जी, आप खाली एक आवाज दियो भाई। नहीं नहीं भाई, वो मगर आपको कैसा मालूम हुआ मेरे को? अरे सब मालूम होता, हम चाहने वाले हैं जी आपके, सुने मेरे भाई, सब मालूम होता भाई, सुने दे तो रहन दो आप, अरे दे देने की बात है जी, और कुछ भी जरूरत है तो बोलो मेरे, सुने कभी भी याद करो आप जी, जी आपका भाई है जी, समझे ना जी जी, जज़ाकल्लाह। दोस्त ने तो कौन काम में आएंगे रज़ाक भाई, अरे क्या है मेरे भाई, बराबर बराबर, ओके ना मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, सलाम शुक्रिया शुक्रिया, गाड़ी निकालवा। देखिए दोस्ती इसको बोलते जी, मैं मुश्किल में हूँ बोल के मालूम होते कि मदद करने के वास्ते आ गया, समझे? ठीक है जी, मैं समझ गई तुम्हारे दोस्त लोग का काम में आते बोल के, ठीक है मैं नहीं रोकती तुम्हारे को तुम्हारे दोस्तों से मिलने के वास्ते, मगर रात को जल्दी घर आ जाओ। ओके डन। ठीक है तुम बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। अरे नहीं रुको रुको, ये अंदर रखो और खाना नको निकालो, अपन बाहर जाएंगे खाने के वास्ते। सच्ची? हाँ मैं तैयार होके आती हूँ। बाहर जाने का नाम लेते कि खुश।